शांति, पवित्रता, ब्रह्मचर्य और योग एवं योगबल। योग अर्थात आत्मा का परमात्मा से संबंध। योग साधना का आधार ब्रह्मचर्य है, परंतु योग की सफलता अर्थात की लक्ष्य पवित्रता है। पवित्रता अर्थात आत्मा की संपूर्ण आत्मिक शक्ति, संपन्न स्थिति। इसलिए योगी आत्मा को अंत तक अर्थात परम धाम जाने तक योग साधना करनी ही होती है। आत्मा का जब परमात्मा से योग होता है तो उसको बल मिलता है। जिस योग बल से आत्मा विकारों पर अर्थात देहाभिमान रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर पावन बनती है, अर्थात आत्मा पर जो देहभान और देहाभिमान की जंग चढ़ी हुई है वह उतरती है और आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाती है। विचारणीय विषय ये है कि अंत में परमधाम घर जाने के पहले आत्माएं पवित्र तो सभी बनती है, परंतु स्वर्ग में वे ही आत्माएं जाती है जो योग बल से पवित्र बनती है। इसलिए बाबा ने कई बार कहा है कि जो ब्राह्मण बनेंगे वे ही स्वर्ग में जाएंगे, अर्थात जो ब्राह्मण बनेंगे उनका परमात्मा से अवश्य ही योग होगा और उनमें योग बल की शक्ति होगी। भले योग बल की शक्ति सभी आत्माओं में नंबरवार ही होती है, इसलिए स्वर्ग में नंबरवार आते भी है और पद भी नंबरवार पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया की स्थापना कैसे होती है, ये संगम युग पर ही बाप बताते हैं। रामराज्य स्थापन होने के बाद रावण राज्य खत्म हो जाएगा। तुम जब राम राज्य के भाती हो तो तुम्हारे में कोई भूत नहीं होना चाहिए। ये परमात्मा महावाक्य है 6 मार्च 2012 के। ये काम की आग सबसे तीखी और बिल्कुल गंदी है, जो सिवाय योग बल के बुझा नहीं सकते। 1 मार्च 2012 के रिवाइज महावाक्य साकार के। योगी कभी भोग नहीं करते, अगर भोगी बने विकार में जाए तो योग सिद्ध हो न सके। अभी तुम योग सीख रहे हो, भोगी बनने अर्थात विकार में जाने से योग लग न सके। तुमको याद शिव बाबा को करना है, दलाल को नहीं, अर्थात कि ब्रह्मा बाबा को नहीं। ये ब्रह्मा भी दलाल हो गया, ये दलाल भी उनको याद करते हैं। उनकी ही सारी महिमा है, इनकी नहीं। ये तो पतित है, ब्रह्मा बाबा भी पावन बन रहे हैं। फिर 9 अगस्त 2011 की साकार रिवाइज्ड मुरली। बाबा की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रिया की चंचलता आदि नहीं होगी। बाप को भूलने से ही कर्मेंद्रियां चंचल होती है। बाप ने बताया है इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे, परंतु तुमको विघ्नों से डरना नहीं है। ये हार और जीत का खेल है, माया से बॉक्सिंग है। माया घूंसा लगाती है तो फाह हो जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको माया से कभी हारना नहीं है। 27 जून 2011 की साकार मुरली है। बाबा कहते हैं कितना भी दान पुण्य आदि करे, कितनी भी मेहनत करे, चाहे कोई आग से भी आते जाते रहे, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। एक बाप की याद से ही पावन बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो चांदी तांबा लोहे की अलॉय पड़ी है वह निकल जाएगी और तुम पावन बन जाएंगे। फिर 17 मई 2011 के साकार रिवाइज महावाक्य। बाप का ऑर्डिनेंस है, बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना है, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं होना चाहिए। अभी माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। तुम शांति धाम में शिव बाबा को याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, शांति धाम में शिव बाबा को याद करना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तो 26 मार्च 2011 के
रिवाइज्ड महावाक्य, सोने को आग में डालकर उससे किचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने के लिए भी आग में डालते हैं। बाप कहते हैं वह है काम चेता और ये है ज्ञान चेता। इस योग अग्नि से ही आत्मा की खाद निकलेगी। बाप तुम बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं, अब तुम समझते हो तो औरों को भी समझाना है। 20 जनवरी 2011 के साकार रिवाइज महावाक्य। बाप ने समझाया है, आत्मा ने 84 का पाठ बजाया है, तो उसमें जो सतोप्रधानता की ताकत है वह दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। हर आत्मा को पाठ बजाते बजाते तमोप्रधान बनना ही है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ न कुछ ताकत रहती है। एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ही न रहे। तो फिर 15 सितंबर 2010 के साकार रिवाइज महावाक्य। बाप है सर्वशक्तिवान। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी कैसे डिस्चार्ज होगी? सारा कल्प लगता है बैटरी को डिस्चार्ज होने में। अभी अपनी बैटरी को चार्ज करना है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भर कर सतो प्रधान बन जाएगी। ये पढ़ाई भी है तो कमाई भी है। फिर 15 सितंबर 2010 के साकार रिवाइज महावाक्य। आत्मा चेतन है, ये शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। बाकी बैटरी चार्ज डिस्चार्ज होती है। आत्मा सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनती है, फिर बाप से योग लगाने से तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना ताकत आएगी, उसके लिए बाप से बहुत लव चाहिए। 6 सितंबर 2010 की साकार रिवाइज मुरली। ये योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होंगे, अतीत से पावन बनेंगे, नॉलेज से धन मिलता है, योग से हेल्दी पवित्र बनते हैं, ज्ञान से वेल्दी अर्थात धनवान बनते हैं। बाप ने कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है। विकार में जाना यह है सबसे बड़ा पाप। भगवान के बच्चे भाई भाई होकर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे कर सकते हैं? फिर 12 फरवरी 2010 की साकार रिवाइज महावाक्य। तुमको मालूम है कि नागे लोग उनके ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएंगे, वे रहते अलग है। कर्म इंद्रियों की चलायमानी सिवाय योग के कभी निकलती नहीं है। काम शत्रु ऐसा है जो किसको भी देखेंगे, यदि योग में पूरा नहीं होंगे तो चलायमानी जरूर होगी। अपनी आपे ही परीक्षा लेनी होती है। 16 सितंबर 2004 की साकार रिवाइज मुरली। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं। वे कोई दुनिया को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते हैं। मदद तब हो जब श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। शिव बाबा की याद बिगर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 9:45 बजे। ओम शांति।